नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं बॉलीवुड की खास खबर। मुंबई की सड़कों पर उतरे संजय दत्त, बहन प्रिया दत्त के लिए मांगे वोट। लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार में संजय दत्त भी कूद पड़े हैं। संजय दत्त ने अब अपनी बहन प्रिया दत्त के लिए सोमवार को चुनाव प्रचार किया। संजय दत्त और प्रिया दत्त के साथ इस चुनाव प्रचार में कांग्रेस के अन्य नेता भी शामिल रहे। प्रिया दत्त कांग्रेस के टिकट पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ रही है। यहां उनका मुकाबला बीजेपी की पूनम महाजन से है। दोनों उम्मीदवार बड़े परिवार से आते हैं। पूनम जहां प्रमोद महाजन की बेटी है, वहीं प्रिया दत्त दूसरी और सुनील दत्त की और नरगिस की बेटी है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में 17 लाख वोटर हैं। ऐसे में वोटरों के सामने यहां दो दिग्गज महिलाओं में से एक को चुनना है। मैं चाहता हूं मोदी और 5 साल तक रहे सनी देओल। लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज हो चुका है। इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, सनी देओल भाजपा में शामिल हुए। बता दें कि इससे पहले अक्षय कुमार के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन कल खुद उन्होंने ट्वीट कर इस बात से नकारा। सनी देओल के सामने समारोह में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल आदि भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान सनी देओल ने कहा कि इस पार्टी में जिस तरह मेरे पापा अटल जी के दौर में जुड़े थे, वैसे ही मैं आज मोदी के दौर में जुड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मोदी और 5 साल तक रहे, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देश की जरूरत है। आगे उन्होंने बोला, मैं ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखता, करके दिखाऊंगा। खबरों की माने तो सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट से कांग्रेस ने सुनील जाखड़ को उम्मीदवार बनाया है। जाखड़ ने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में अभिनेता विनोद खन्ना ने गुरदास सीट से जीत दर्ज की थी। कैटरीना के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट। पीटी उषा पर बन रही है बायोपिक। बॉलीवुड में बायोपिक फिल्में बनाने का चलन एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। हाल ही वक्त में संजू द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, दंगल, निर्जाजा से अनगिनत फिल्में पर्दे पर धमाल कर चुकी है। अब इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है। जानकारी के अनुसार अब देश की महान एथलीट और मशहूर ओलंपिक चैंपियन पीटी उषा की लाइफ पर बायोपिक बनाने जा रही है। पीटी उषा के रोल अभिनेत्री कैटरीना कैफ को ऑफर किया गया है। हालांकि कैट ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक हामी नहीं भरी है। कैटरीना से पहले इस बायोपिक के लिए प्रियंका चोपड़ा का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इस फिल्म को लेकर उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। अब देखना यह होगा कि कैटरीना इस फिल्म के लिए हाँ करती है या नहीं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।